दोनों दोनों में नोटिस करोगे ऑर्डर सेम है, एम आई करेक्ट? मतलब ए बी सी, जब तक ए बी सी का ऑर्डर सेम है तब तक मैं चाहे पहले डॉट लगाऊं या चाहे पहले क्रॉस लगाऊं, इट इज द सेम थिंग। ए बी सी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ए बी सी, इसका मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है? अब मेन चीज है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। यहां पे ए बी सी इस तरह के तीन वेक्टर है, तो स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू ये डिटरमिनेंट होगी, कौन सी, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। इसी वजह से अगर ऑर्डर सेम रहा तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ऑर्डर सेम मतलब जैसे क्या, ये सी को ऊपर कर दे एक, ए वन को नीचे, बी वन को नीचे, तो इसकी वैल्यू सी वन सी टू सी थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, ठीक है। मतलब ये अगर ऑर्डर सेम रहा, मतलब ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी, इन तीनों केसेस में आंसर सेम होगा, ठीक है। तो एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। और ज्योमेट्रिकली अगर मैं इसी चीज को ज्योमेट्रिकली सोचू, ज्योमेट्रिकली सोचू, ठीक है, मतलब हाइट ज्योमेट्रिकली, ये क्या होगा, आपको एक 3D स्ट्रक्चर दे दिया गया, 3D स्ट्रक्चर दे दिया गया जिसमें ये तीन साइड्स है, ए बी सी, क्यूब, क्यूब या क्यूबॉइड नहीं है, किसी कैसा कैसा भी एंगल हो सकता है ए बी सी का, ठीक है। तो ये जो सी है, जो हाइट है, वो सी का प्रोजेक्शन है ऑन ए बी, ठीक है। तो बेसिकली इसका वॉल्यूम जो होता है इस फिगर का, इस फिगर का जो वॉल्यूम होता है, इस फिगर का जो वॉल्यूम होता है वही ये होता है, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। यहां पे ए बी सी आपस में किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, ठीक है। प्रूफ ये है कि क्यों ऐसा होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, यहां पे सी डॉट होगा, मतलब डॉट सी रहेगा यहां पे, तो इस वजह से ए क्रॉस बी डॉट सी आता है, यहां पे एक डॉट सी मिसिंग है। तो आपको उतना प्रूफ जानने की जरूरत नहीं, आपको सीधे सीधे लिख लेना है वॉल्यूम ऑफ एनी पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ एनी पैरेललोपिपेड इज ए बी सी, ठीक है। मैं पीछे वाली साइड वापस समझा दे रहा हूं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह से डोनोट किया जाता है जिसकी वैल्यू एक डिटरमिनेंट होती है, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, ठीक है। एवरीवन, चार पांच पेजेस का आज का लेक्चर है, खत्म हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर्स, वेक्टर्स एज अ चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3D होता है। तो 3D में आज 3D नहीं शुरू होगा, 3D में प्रॉपरली शुरू करूंगा, वेक्टर में काफी लोग बोर हो चुके हैं, ठीक है। तो आज वेक्टर खत्म करके मैं नेक्स्ट वीक से 3D स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नहीं, 3D मैं बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करूंगा विद अ प्रॉपर मैसेज कि 3D कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 3D मैं प्रॉपरली इस तरह से नहीं लूंगा, 3D मैं प्रॉपर लेक्चर लूंगा, ठीक है। सो मेरा ये कहना है किसी भी पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम जो होता है वो ये होता है पैरेललोपिपेड, ठीक है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है।
सिमिलरली टेट्राहेड्रॉन, अगर एक टेट्राहेड्रॉन है जिसकी साइड्स ए बी सी है तो उसका वॉल्यूम होगा 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, विच कम्स आउट टू बी 1/3 ए बी सी। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड ये होता है ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एस टी पी, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? 1/6 ए बी सी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? इज एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस, ग्रेट। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक अभी कुछ देर तक कुछ थ्योरी थ्योरी चलेगी, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थ्योरी मतलब काफी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और उसी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तीन पार्ट करेंगे आज, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन आई थिंक पिछले क्लास में टुवर्ड्स द एंड करवाई गई थी, लेकिन आज एक और करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी? मैंने क्या बोला था, ऑर्डर सेम हो तो वैल्यू सेम होती है, ऑर्डर रिवर्स हो तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट वाला केस है, डिटर्मिनेंट में ऑर्डर सेम होता है तो वैल्यू सेम होती है, ऑर्डर उल्टा हो तो वैल्यू एक माइनस हो जाती है। यानी ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी सेम है। अच्छा, ए बी सी एंड बी ए सी आपस में माइनस है। सिमिलरली अगर किसी एक भी उसमें लैम्डा है तो लैम्डा बाहर कॉमन ले लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट में भी अगर लैम्डा कॉमन ले सकते हैं तो इसमें भी लैम्डा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो इसका मतलब मेरी दो रो काइंड ऑफ सेम बन गई। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो मेरी दो रो डिटर्मिनेंट की सेम बन गई, तो इसका क्या मतलब हुआ? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। यस, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, खुद ही समझो। दो दो पैरेलल वेक्टर से कोई भी पैरेललोपिपेड बन ही नहीं सकता। तो अगर दो दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो दो रो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाली चीज। अच्छा, अगर तीनों वेक्टर्स को प्लानर है, अगर तीनों वेक्टर्स को प्लानर है तब क्या होगा? तब भी जीरो होगा। ठीक है, अच्छा, यहां यहां ये जो लैम्डा है वो सिर्फ ए के साथ है, बी एंड सी अपना अकेले है। ठीक है, अगर तीनों तीन वेक्टर्स को प्लानर है तब भी उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी पैरेललोपिपेड नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज इसकी डिटर्मिनेंट टाइप की ही होती हैं, प्रॉपर्टीज इसकी डिटर्मिनेंट टाइप की होती है, क्योंकि ओपन करने पे ये डिटर्मिनेंट ही बनाता है। ठीक है, जिस तरह से ए प्लस डी, बी एंड सी, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे दो पार्ट में, डिटर्मिनेंट में भी होता है, अगर एक रो या कॉलम में ए प्लस बी है तो वो ब्रेक होके दो डिटर्मिनेंट में हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ये सब कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट के थ्रू हम प्रूफ कर सकते हैं, अगर डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, को प्लेनर में भी जीरो हुआ,
और अगर a प्लस डी है तो वो ब्रेक हो गया। अच्छा अगर ये होल स्क्वायर है तो a डॉट b, a डॉट c, b डॉट b, b डॉट c डॉट b, c डॉट c, ठीक है। ठीक है ये सब, एवरीवन ठीक है। सेवन पॉइंट सीधे सीधे मल्टीप्लाई किया गया है और ये मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट की तरह किया गया है। अगर सेवन की जगह मैं एट पॉइंट दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एट से सेवन हम प्रूव कर सकते हैं। एट से सेवन, सेवन तक लिख लिया, ठीक है। तो देखो रो एंड कॉलम वाइज मल्टीप्लीकेशन की तरह हो रहा है, डिटरमिनेंट रो एंड कॉलम वाइज मल्टीप्लीकेशन की तरह हो रहा है। यहां एबीसी और यहां एलएमएन, ठीक है। तो पहले रो में ए, दूसरे रो में बीबी, तीसरे रो में सीसीसी और पहले कॉलम में एल, दूसरे कॉलम में एम, तीसरे कॉलम में एन, ठीक है। तो जिस तरह से रो एंड कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं उसी तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इन सब का प्रूफ जो है वो डिटरमिनेंट की थ्रू, डिटरमिनेंट के से ही है। आपको याद रखनी होगी ये प्रॉपर्टीज। अगर इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन आया तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थ्री प्रॉपर्टी, मतलब दीज ऑल दीज प्रॉपर्टीज, ओके। यस ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इज ए बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। एवरीवन प्रॉपर्टी नंबर एट में ये चीज डिटर्मिनेंट है, इधर दिस इज अ डिटर्मिनेंट नॉट मैट्रिक्स। जिस तरह से प्रॉपर्टी सेवन, सेवन में भी डिटरमिनेंट लिखा था ना, देखो प्रॉपर्टी सेवन में डिटरमिनेंट लिखा था ना, तो प्रॉपर्टी एट में भी वो डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी लिखनी है, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ऑब्वियसली जो भी अभी क्वेश्चन दूंगा उनको तुम प्रॉपर्टीज को याद करके ही करोगे, मतलब प्रॉपर्टीज से ही वो आती है। इसके क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड ही आते हैं, तो कुछ तीन चार क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, ओके। प्रॉपर्टी नंबर टेन, इफ एल ये है, एम ये है और एन ये है, मतलब एल एम एन तीन वेक्टर्स एबीसी के टर्म्स में दिए हो, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं LMN x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 ABC, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। कैसे प्रूफ होता होगा, वही डिटरमिनेंट की तरह ओपन करते होंगे और प्रूफ कर देते होंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये सब जितनी भी सब प्रूफ है ये सब तुम खुद से प्रूफ कर सकते हो अगर तुमने इनको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा कोई कॉमन सेंस वाला सीधे सीधे दिखने वाला प्रूफ नहीं है, लेकिन प्रूफ की जरूरत नहीं है। ऑल वी नीड इज रिमेंबर दीज डिटरमिनेंट्स, ठीक है। Yes.
सेवेंथ से नाइन्थ भी आ सकता है और नाइन्थ से सेवन भी आ सकता है, सब कुछ। एट से सेवन आ सकता है, एट से टेन भी आ सकता है, मतलब अलग अलग वेज है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट रो में वो वाई वन है, ये वाई टू नहीं है, एवरीवन दिस इज वाई वन। ओके, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज देख ली। अब क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। इसमें टेंथ प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, टेंथ प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब उसके मतलब सब है, तो मोस्टली हम टेंथ की प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि टेंथ प्रॉपर्टी याद रहेगी तो बाकी सारी चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, प्रूव करो दिस इज इक्वल टू दिस। हमको प्रूव करना है दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू अनदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रूव करो। अच्छा चलो, हिंट है कि टेंथ वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, टेंथ वाली। तो अगर मैं टेंथ वाली प्रॉपर्टी यूज करूं तो मैं एल को, क्या मैं एल को वन ए बार प्लस वन बी बार प्लस जीरो सी बार लिख सकता हूं, एम को जीरो ए बार प्लस वन बी बार प्लस वन सी बार लिख सकता हूं? एवरीवन ट्राई करो, एवरीवन ट्राई करो। एवरीवन हुआ? तो मैंने हिंट दे दिया था, तो हिंट वाइज तुम एक डिटरमिनेंट बन जाएगा, वी विल फॉर्म अ डिटरमिनेंट 110 011 एंड 101। उस डिटरमिनेंट की वजह से मेरा अपना आंसर आ सकता है। एम आई करेक्ट? हुआ? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू टू है। तो जब भी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दूसरे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल करना है तो यही करेंगे। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरीवन दिस इज इक्वल टू, रुको, के टाइम्स ए बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एवरीवन दिस इज इक्वल टू के टाइम्स ए बी सी,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के. Everyone, find the value of k. इसमें भी वही सेम चीज है. मैं जो डिटरमिन जो एल एम एन एज्यूम करूंगा, वन ए बार माइनस वन बी बार प्लस जीरो सी बार. तो जो डिटरमिनेंट बनेगा वो वन माइनस वन जीरो. ये डिटरमिनेंट बनेगा, ठीक है. अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे. इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? वन टाइम्स वन माइनस जीरो, माइनस माइनस तो प्लस वन, जीरो माइनस ऑफ माइनस वन इंटू क्या बनेगा, ठीक है, बताओ क्या बनेगा. ठीक है, what would be the final answer? मैंने शायद कुछ गलत कर दिया, यहां पे माइनस वन आएगा ना. माइनस वन आएगा ना. what would be the final answer? it would be zero. one minus one, it would be zero. ठीक है, नेक्स्ट करें. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. अगर इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट वन है तो इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है. ये होमवर्क में कर लेना, ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है. ये क्वेश्चन बस लिख लो एंड डू इट एज अ होमवर्क क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि ये भी बिल्कुल डायरेक्टली डिटरमिनेंट को ही सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है. क्वेश्चन लिख लो बस. क्वेश्चन लिख लिया? यस. एवरीवन डू दिस क्वेश्चन. ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि बिना ऑब्जर्वेशन के नहीं हो सकता. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा, ठीक है. करो करो और मुझको आंसर बताओ. कोई बताएगा? किसी को ऑब्जर्वेशन हो पा रहा है? किसी को ऑब्जर्वेशन हो पा रहा है?
इसमें जानते हो ऑब्जर्वेशन क्या है? सबसे पहले ये बताओ मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता था? ये होता था ना, हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट के टाइम, दिस इज द फॉर्मूला। यस, एंड द ऑब्जर्वेशन इज 2 × 3 × 6, 36 है। 2 × 3 × 6, 36 है, यानी एक पैरेललोपिपेड जिसकी तीन साइड 2, 3, 6 है, उनका वॉल्यूम 36 है। ये कब हो सकता है? एक पैरेललोपिपेड जिसकी साइड्स 2, 3, 6 है और उनका वॉल्यूम 36 है, ये कब हो सकता है? यस, जब वो क्यूबॉइड हो, जब वो क्यूबॉइड हो, क्यूबॉइड मतलब बॉक्स शेप, बेसिकली वो क्यूबॉइड हो गए तो इसका मतलब आपस में एंगल क्या बन रहा है? ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये जो एक हर एक टर्म है ये क्या बन गए? हर एक टर्म, इंडिविजुअल टर्म जीरो हो गए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 49, तो इसकी वैल्यू हो गई 7। माय फाइनल आंसर इज 7। ठीक है, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, आगे करें। क्यूब नहीं, क्यूबॉइड। क्यूब होता है तीनों की साइड सेम। क्यूबॉइड मतलब बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम एबीसी तब होता है जब वो आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, पैरेललोपिपेड इज दिस क्यूबॉइड। ये क्यूब गलत लिखा है एवरीवन, ये क्यूब गलत लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज अ जेई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जेई क्वेश्चन। ओके, द एजेस ऑफ अ पैरेललोपिपेड आर ऑफ यूनिट लेंथ। And are parallel to three non-coplanar vectors ABC. ABC के तीन non-coplanar vectors हैं, उनके parallel हैं। मतलब unit vectors हैं। मतलब basically edges क्या हो गए? A cap, B cap, C cap. Edges क्या बन गए? A cap, B cap, C cap. Such that A dot B, B dot C and C dot A is equal to half है। ठीक है, तो मुझको बताओ वॉल्यूम क्या होगा इसका? What would be the volume of the parallelepiped? ठीक है, जो आंसर देगा तो उसका मतलब उसने प्रॉपर्टीज, उसको सारी चीज, सारी प्रॉपर्टीज, मतलब ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज के थ्रू है। पहली बार आप लोगों ने प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, बट ओके, गुड गुड हिमाली, एनीवन एल्स?
यस, याद करो प्रॉपर्टी नंबर सेवन। प्रॉपर्टी नंबर सेवन क्या बोलता है? प्रॉपर्टी नंबर सेवन बोलता है लेट द एज लेंथ बी पी कैप क्यू कैप आर कैप, वो जो बार 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 लगाया उसको कैप 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 कर दो, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर सेवन ये बोलता है वॉल्यूम स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी डॉट पी, पी डॉट क्यू, पी डॉट आर, ठीक है। क्या ये सही लिखा है मैंने? प्रॉपर्टी नंबर सेवन। और अब इसमें पी डॉट पी, क्योंकि पी डॉट पी इज बेसिकली पी कैप डॉट पी कैप, पी कैप डॉट पी कैप वन होगा एंड रेस्ट ऑफ द थिंग ये भी वन होगा जिस पे मैंने कैप कैप बना के दिखा दिया है, ये तीनों वन 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 होंगे और बाकी सब क्या होगा? हाफ हाफ हाफ, ठीक है। तो जब इसको ओपन करोगे तो इसकी वैल्यू आती है हाफ, यानी वॉल्यूम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, वॉल्यूम इज इक्वल टू वन बाय रूट टू, वॉल्यूम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू वन बाय रूट टू। ठीक है एवरीवन, सबको ये चीज समझ में आ गई? कोई है जिसको प्रॉब्लम इसमें? ऑब्वियसली आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और प्रॉपर्टी ऐसे नहीं याद रहेगी, प्रॉपर्टी मैं समझ सकता हूं कि याद रखनी पड़ेगी। तो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन देख लेता हूं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन देख लेता हूं, ठीक है। एवरीवन, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटरमिनेंट के ऊपर बेस नहीं होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर देता है, ठीक है। यहां पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए डॉट सी B माइनस ए डॉट बी सी, ठीक है। तो ऐसा समझो ये जो अगर बाद में ये, अच्छा पहले दोनों लिख देता हूं, दो लिख देता हूं तो आपको दोनों समझ में आएगा। यहां पे A क्रॉस B क्रॉस C है, यहां पे दोनों वैल्यूज अलग है क्योंकि याद करो क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर भी ऑर्डर भी मैटर करता था। तो अगर बी क्रॉस सी बाद में आ रहा है, मतलब ब्रैकेट बाद में आ रहा है, पहली बात ये समझो कि ये और ये हमेशा ब्रैकेट वाले पोर्शन से आएंगे। अगर बी क्रॉस सी बाद में आ रहा है तो ऑर्डर बी और सी वाला ही रहेगा, अगर ए क्रॉस बी पहले आ रहा है तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा बी माइनस सी का, ठीक है। ऐसा समझ लो इन एनी केस बीच वाला टर्म सबसे पहले आएगा, बीच वाला जो भी वेक्टर है वो सबसे पहले आएगा, यानी अगर अल्फा क्रॉस बीटा क्रॉस गामा कर दिया तो सबसे पहले गामा लिख, बीटा लिख दो बीच वाला वेक्टर माइनस, अब ब्रैकेट जिस साइड है वो वाला वेक्टर लिख दो, ठीक है। और उसके बाद उनको छोड़ के जो भी बचा उनका डॉट प्रोडक्ट लिख दो। यहां पे ए डॉट सी लिखा है
या अल्फा डॉट गामा हो जाएगा, ऑब्वियसली इनका ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, किसका ऑर्डर, डॉट प्रोडक्ट का, और यहां पे क्या हो जाएगा गामा को छोड़ के अल्फा डॉट बीटा। सिमिलरली अगर एल क्रॉस एम क्रॉस एन है तब भी बीच वाला हमेशा पहले आएगा माइनस जो बचा है, एल एल बचा है ब्रैकेट में तो वो आ गया। अब M को छोड़ के बचे क्या, L डॉट N, और यहां पे L को छोड़ के M डॉट N, ठीक है। इस तरह से आप ये याद रखेंगे, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट काफी कुछ वेक्टर इक्वेशन में काम आता है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे एक क्वेश्चन करेंगे, फिर वेक्टर इक्वेशंस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज, इफ ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू वन बाय थ्री बी डॉट बी सी ए, मतलब If theta is angle between B and C, find sin theta. ये question है. If theta is angle between B and C, find sin theta. याद रखना दीज आर थ्री नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर में डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है, कौन सा कंपैरिजन, ये वाला कि अगर B and C नॉन जीरो नॉन कोप्लैनर वेक्टर है तो दिस वुड बी इक्वल टू दिस एंड दिस पोर्शन वुड बी जीरो, A A बार वाला A बार के इक्वल होगा और B बार वाला B बार के, लेकिन B बार है नहीं तो वो जीरो, इसका मतलब A डॉट C जीरो है, इसका मतलब A इज परपेंडिकुलर टू C एंड माइनस B डॉट C इज इक्वल टू वन बाय थ्री BC, ठीक है। अच्छा B डॉट C का फॉर्मूला क्या होता है, B डॉट C का फॉर्मूला क्या होता है, BC cos theta, C cos theta इज इक्वल टू वन बाय थ्री, तो B और C कैंसिल हो गया, cos theta इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री। अच्छा अगर cos theta माइनस वन बाई थ्री है तो साइन थीटा क्या निकलेगा, टू रूट टू बाय थ्री, पॉजिटिव में ही निकलेगा, क्यों पॉजिटिव में ही निकलेगा, क्यों कॉस थीटा तो निगेटिव है लेकिन साइन थीटा पॉजिटिव में निकलेगा, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल लेस देन 180 रहेगा, जीरो से 180 रहेगा, मैक्सिमम एंगल पाई ही रहता है, मेरा साइन थीटा टू रूट टू बाई थ्री है, ठीक है, ठीक है। एवरीवन इतना समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़े। अब इसका मोस्टली एप्लीकेशन, काफी ज्यादा एप्लीकेशन इसका वेक्टर इक्वेशन में आता है, वेक्टर इक्वेशन में, यही मेथड है इसको करने का और इसके क्वेश्चंस वेक्टर इक्वेशन में आते हैं, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, ठीक है,
तुमको कुछ कुछ इक्वेशन दे दी गई है और निकालना है, ठीक है? ये चीज अभी छोड़ो, ये जो पहली लाइन लिखी है ये एक्स बार क्रॉस वाई बार है, एक्स बार क्रॉस वाई बार इज इक्वल टू बी बार। दूसरी है एक्स बार प्लस वाई बार इज इक्वल टू ए बार, और तीसरा है एक्स डॉट ए इज इक्वल टू वन। तो मुझको एक्स बार एंड वाई बार निकालना है, ठीक है? वी हैव टू फाइंड आउट एक्स बार एंड वाई बार। सब लोग क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, मैंने सीधे सीधे क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इसकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रोडक्ट को इक्वल कर दिया था, किसके, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है उसके एक्सपेंशन को इक्वल कर दिया था। ठीक है, एक्स क्रॉस वाई बी बार दे रखा है, ठीक है? ए एंड बी कांस्टेंट है, इतना ध्यान रखना, ए एंड बी कांस्टेंट है, ठीक है? तो मैंने पूरे प्रोडक्ट को ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड मैंने ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, ए डॉट वाई एक्स बार माइनस ए डॉट एक्स वाई बार, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अच्छा ए डॉट एक्स कहीं क्वेश्चन में दे रखा है, दे रखा है, तो ए डॉट वाई एक्स बार माइनस वाई बार इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है? इतना क्लियर है? अच्छा, एक्स बार प्लस वाई बार, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई इज इक्वल टू ए दिया है, अगर मैं एक और इक्वेशन वेक्टर एक्स एंड वेक्टर वाई में निकाल दूं तो मेरा क्वेश्चन साइमल्टेनियसली सॉल्व हो सकता है, जो कहीं ना कहीं यहां से मुझे निकलती हुई दिख रही है। यहां पे क्या है, ए डॉट वाई को छोड़ के बाकी सारी चीजें है, एक्स बार वाई बार में एक इक्वेशन है, लेकिन ए डॉट वाई में वाई पंगा कर रहा है, तो ए डॉट वाई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स बार प्लस वाई बार इज इक्वल टू ए बार है, मैंने पूरी इक्वेशन को ए डॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, ए डॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए डॉट एक्स प्लस ए डॉट वाई इज इक्वल टू ए डॉट ए। अच्छा, ए डॉट एक्स वन है, ए डॉट वाई इज इक्वल टू ए डॉट ए, मॉड ए का होल स्क्वायर होता है, तो ए डॉट वाई क्या बन गया, मॉड ए माइन का होल स्क्वायर माइनस वन, यानी यानी मेरी पहली इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, उनको मुझे अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, आई सिंपली हैव टू एड देम। यस, मैं सीधे सीधे एड कर दूंगा, जैसे ही एड करूंगा वाई बार कैंसल होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है, और यहां पे एक्स बार एक एक्स बार कैंसिल हो रहा है, मॉड ए स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू ए बार प्लस ए क्रॉस बी, तो एक्स बार का आंसर क्या निकल गया, ए प्लस ए क्रॉस बी होल अपॉन मॉड ए का होल स्क्वायर, ठीक है? सिमिलरली अगर मुझको y निकालना हो तो इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू x बार की वैल्यू पुट कर देंगे, बेसिकली y बार इज a बार माइनस x बार, ठीक है? एवरीवन समझो इसको। ठीक है, हाँ, अब मैं हिंट तुमको समझा रहा हूं, ठीक है एवरीवन,
हिंट जो लिखा है वो समझो, क्या होगा? ऑप्शंस होंगे, ए ए एंड बी के ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन में क्या होगा? अगर ऑप्शन में ए क्रॉस बी हो रहा होगा तो देखो यहां पे ए दे रखा है या बी दे रखा है, तो मैं पूरे उसको ए क्रॉस बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब कहीं ना कहीं मुझको ऑप्शन से ए डॉट ए क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब ऑप्शंस में जो भी वेक्टर इक्वेशन में जो चीजें दी रहेंगी उसको डॉट एंड क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, उसको डॉट एंड क्रॉस करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन तो फिर भी डिफिकल्ट था, क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स थे। और एक चीज ध्यान रखना, वेक्टर्स के लिए अगर दो वेरिएबल का इक्वेशन है तो तीन इक्वेशन दी रहेंगी। फॉर अ वेक्टर अगर एक्स एंड वाई निकालना होगा तो यू वुड बी गिवन थ्री इक्वेशंस, एंड अगर सिर्फ एक्स निकालना होगा यू वुड बी गिवन टू इक्वेशंस। यस, तो यहां पे नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल में एक का डिफरेंस होता है। टू इक्वेशन थ्री वेरिएबल, टू वेरिएबल थ्री इक्वेशन, वन वेरिएबल टू इक्वेशन, गॉट इट? शायद हमने वेक्टर इक्वेशन पे एक बार पिछली उसमें भी किया था क्वेश्चन, किया था लास्ट क्लास में, जिसमें सिंपल सा था। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला रिलेटिवली इजी है वो, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, दिस वॉज द मेथड जो हमने किया और जिससे x की वैल्यू आ गई, राइट? मेथड वन गलत मेथड था, उससे सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू, मॉड x की वैल्यू निकल रही थी, x की वैल्यू नहीं निकल रही थी, ठीक है? इस वजह से इस क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं, यही है, सिर्फ और सिर्फ यही मेथड है। एवरीवन, तुमको जो दे रखा है x डॉट a इज इक्वल टू c दे रखा है, एंड a क्रॉस x इज इक्वल टू b दे रखा है, x निकालना है। सीधे एक स्टेप में निकलेगा, एवरीवन, जस्ट वन स्टेप एंड यू विल गेट, ए बी सी के टर्म्स में निकलेगा, जस्ट वन स्टेप। कोई बताएगा वो स्टेप क्या होगा? एवरीवन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट क्लास से हम 3D शुरू करेंगे। अच्छा, ये जो दिया है ये सी नहीं, सी बार नहीं है गाइज, दिस इज सी, this is not c bar, this is just a constant value c, not a vector, anyone? what could be the step? just one step, b wale mein सेकेंड इक्वेशन में, मैं देखो एक्स डॉट ए लाना है, एक्स डॉट ए, तो मैं सेकेंड उसमें ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या बनेगा? मैं ए क्रॉस से मल्टीप्लाई करूं, क्या बनेगा? मिडिल वाला माइनस दूसरा वाला, इनके सामने जो बचा ये यूज हो गया है, तो ए डॉट एक्स और यहां पे ए डॉट ए, बस मेरा क्वेश्चन हो गया। a डॉट x की वैल्यू c a बार माइनस a डॉट a की वैल्यू तो x बार इज इक्वल टू c a बार माइनस a क्रॉस b होल अपॉन, यस, सिर्फ मैंने a से मल्टीप्लाई किया है, मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट,
ठीक है ठीक है। 3D के लिए एवरीवन, 3D के लिए आपको बेसिक स्ट्रेट लाइन चैप्टर रिवाइज कर लेना, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि काफी स्ट्रेट लाइन की चीजें 3D में यूज होती है, ठीक है। यस, तो वेक्टर यहां पे खत्म होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट 3D चैप्टर है, तो 3D चैप्टर मैं स्मार्ट बोर्ड पे लूंगा, प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज, और उसके ऊपर मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। 3D में आपको स्टेट बोर्ड की बुक के सारे क्वेश्चंस करने होंगे। स्टेट बोर्ड की बुक में 3D बहुत अच्छा दिया गया है, 3 या 4 चैप्टर्स हैं स्टेट बोर्ड की बुक में 3D, ठीक है। यस, चलो एवरीवन, वी आर डन फॉर द डे। आज मैंने पहले ही बोला था छोटी क्लास है, क्योंकि चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। यस, बाय बाय एवरीवन, बाय। स्टेट बोर्ड की बुक में एक बार 3D देख लेना, समझ में आएगा, 3 चैप्टर है उसमें, ठीक है। 3D, बाय बाय एवरीवन।